पूरी आएगी वैसे वैसे पूरे ले रहा हूँ पूरी आएगी। सर बताइए किस तरह का आज रक्तदान शिविर लगाया गया है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन वर्ष 2004 से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है और वर्ष 2019 में ये 15वां रक्तदान शिविर है जो लॉयंस क्लब आस्था के साथ में संयुक्त रूप से यहाँ अधिकारी क्लब में आयोजित किया जा रहा है और यूनियन ने एक एक कदम आगे बढ़ते हुए रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें आमंत्रित करने का काम किया है और वर्ष दर वर्ष यहाँ पर बहुत भारी संख्या में रक्तदाता आते हैं और रक्तदान करने का काम करते हैं। आज सुबह 8 बजे से ही रक्तदाताओं की यहाँ भीड़ लगने का काम हुआ है और उद्घाटन सत्र जो अभी हमारा हो रहा है उस समय तक 165 यूनिट रक्तदान होने का भी काम हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार का रिकॉर्ड हम लोग जरूर पूरा करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 500 से अधिक रक्तदान यहाँ एकत्रित होने का काम होगा। इस रक्तदान में हमें जिस प्रकार से लॉयंस क्लब आस्था का सहयोग मिलता है उसी प्रकार से हमारे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जनाना और मित्तल हॉस्पिटल की टीम सभी यहाँ आती हैं और उनके सहयोग से ये रक्तदान शिविर रात 8 बजे से लेके और दोपहर 3 बजे तक लगातार भारी रेल कर्मचारी और उनके परिवार के बीच में मनाने का काम है। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज।